नमस्कार, आप देख रहे हैं द बज स्टोरी और मैं हूँ श्रुति सिंह। अब कोरोना महामारी के बाद सिर्फ वर्ल्ड वार 3 ही देखना बचा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का माहौल छिड़ा हुआ था और इस सब के बीच अब ये युद्ध जो है वो शुरू भी हो चुका है। यूक्रेन के कई शहरों में हमले हुए हैं, जिसके बाद से कुछ लोगों की घायल होने के साथ साथ कुछ लोगों का मौत होने के भी खबर सामने आ रहे हैं। यही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस कन्फ्लिक्ट को लेकर भारत में सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। भारत में सोशल मीडिया स्पेस पर काफी सारे वर्ल्ड वार 3 कन्फ्लिक्ट्स को लेकर चर्चा हो रहे हैं। कुछ लोग इस पर पोस्ट भी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ कुछ लोग इस कन्फ्लिक्ट को लेकर अपने विचार भी पोस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस पोस्ट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाली चीज है वो है #WorldWar3। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन सब के बीच कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि जहां इस जीवन में हमने कोरोना महामारी देखी, वहीं अब WorldWar3 भी शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ साथ कई अन्य देश भी रशिया को इस चीज का अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कई लोग इस चीज को लेकर ठिकरा भी दे रहे हैं, तो वहीं कई लोग पश्चिम देशों को दे रहे हैं, तो वहीं कई लोग यूक्रेन पर कर रहे हैं। यही नहीं, यूक्रेन और रशिया की कन्फ्लिक्ट को लेकर भारत को छोड़कर दुनिया भर के अन्य देश से भी लोग ट्वीट कर रहे हैं और इस कन्फ्लिक्ट को लेकर लोग काफी कार्टून्स भी शेयर किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कार्टूनिस्ट फिल हैंड्स ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा, मेरे नवीनतम कार्टून में व्लादिमीर पुतिन ने 7 दशकों की शांति को नष्ट कर दिया। वहीं पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट क्रिश्चियन अडाम्स ने #RussianUkraineCrisis के साथ टेंट में सवार पुतिन की तस्वीर शेयर की है। और इसके साथ साथ काफी लोगों ने भी अपने ट्विटर पर काफी सारे कार्टून शेयर किए और इसे रशिया वर्सेस नाटो का युद्ध बताया है। यही नहीं, बल्कि कई लोग इस पूरे कन्फ्लिक्ट को लेकर बहुत सारे ऐसे कार्टून शेयर्स कर रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर। अब हमें देखना यह है कि आखिर ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है WorldWar3, रशिया और यूक्रेन के बीच जो ये युद्ध चल रहा है, आगे आने वाले दिनों में ये युद्ध कौन सा रूप लेती है और भारत के लिए और खासकर भारत के व्यापारों पर क्या असर देखने को मिलता है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे द बज स्टोरी में। धन्यवाद। सफलता के नए आयामों को छूते हुए आधुनिक भारत में निर्माण की गुणवत्ता को और बढ़ाता नाम बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आए हैं अत्याधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई एश ब्रेक एंड पेवर ब्लॉक्स मेकिंग मशीन्स, AAC एंड CLC ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक पावर पैक, कंक्रीट लिफ्टिंग मशीन्स, रिवर्स ट्रांसमिट मिक्सर, बैचिंग प्लांट, कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, वाइब्रेटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन्स और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स, जो स्मॉल और मीडियम स्केल हर तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी तरह से जांची गई सामग्री और नवीनतम तकनीक की मदद से किया जाता है। और तो और, हमारे प्रोडक्ट्स को संपूर्ण भारत में कंपनी के ग्राहकों द्वारा मजबूत डिजाइन, उच्च शक्ति, क्षति प्रतिरोध, आसान उपयोगिता और लंबे जीवन के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क करें 8340704860।